क्यों ना 8,000-10,000 हम जैसे चलाउन वात रह जाए। देखो पेट भरूड़ हुए ना जन आदमी ने विचार हंतर आवे मारो इंग मैंने एक विचार है आप लोग कड़े भैंस ले 50,000 की और बिना तिल खुआवा हंतर हंतर हुए ना नीरो खुआवा कड़े कोई का तार बंदी में कूदे उजाड़ करियो गए बा गाय करे ना उजाड़ क्यों बा भूखी है जगह करे पेट भरूड़ हो रही तो व्यक्ति अच्छी बात भी करी नैतिकता भी आई बेना और वो हाथरों गुणों ही बोले ताजी ताजी बात इन वास्ते रोजगार के मत अपन ध्यान देना नशा अब जो हमारे तेजो गांव नाला बेटा है मैं तो छोट छोटा बसवाणी का मेला में खरनाल का मेला में बीटा में रानी रंगीली यार कोनी है तो तेजो गांव नाला ए यहां 5-10 डोगरा बार बाबू आया इतना बूटा तो पहले के 2 साल पहले मेरे इंदास आयो और जी तेजा की कड़ी आई रे बाबू जोश में देखियो ना जन मैं क्यों बूटा बुजुर्ग उम्र कोनी आवे और मन ही आवे बूटा बुजुर्ग ज्यादा पर अब समय धीरे धीरे बदल गो कई लोग कहे मैं सुनू कई बार के साहब टेम हांतरो को नहीं मैं तो कहूं हांतरो टेम मारा हिसाब को नहीं आज चीज यदि पूछने तो अपना बुजुर्ग ने पूछो टेम हांतरी है को नहीं है आज नागौर 50 किलोमीटर जगह गांव आ मारा पिताजी मैं छोटा दिन क्यों था कि छोरा लेट किया उठो रहा था मैं तो बढ़ जाऊं नागौर पैदल रोज पढ़न जाऊं तो और आज आप 500 मीटर दूर स्कूल है ना तो मम्मी पापा या तो बार मोटरसाइकिल छोड़न जावे या के स्कूल की बस आए जाना जाए टाबर यूं हाथों को टाइम आ सके आप वहां आप टाइम को सदुपयोग करो सीखो कि तो बढ़िया टाइम है और भगवान की दया और तेजा जी महाराज की असीम कृपाओं जो नागौर को इलाको जो 2000 के बाद ये जगह 22 साल क्योंकि पहली पढ़ाई के वास्ते बारे भी रहता 22 साल रह रहा बिल्कुल और 22 साल का महीने जो क्रांतिकारी और जो परिवर्तन है ये परिवर्तन है देखियो हर तरीके आप देख लो पर टाइम को सदुपयोग अपन लोगों ने करना है अपन सही सोच परो और एक चीज को विश्लेषण आपने करना पड़ी क्योंकि एक चीज सोचियो कि मंच माते जका भी आवा मैं लोग आई सोच आवा हांतरी हांतरी बातें थान बतानी है और वो बात आप लोग सुनो बड़ा चाहूं सुनो पर मेरे को आत्मविश्लेषण करिया करो आप कि कौन आदमी कहीं बात की भी और भी बात को आगे रिजल्ट कहीं रही भी चीज वास्ते भी सोचने की आवश्यकता क्यों देश ने आजाद हुए 75 साल होगा अब गए देश जो अमृत महोत्सव मनाओ 76 वर्ष होगा देश आजाद हुआ ना 76 साल में भी सिस्टम में कोई ना कोई बहुत बड़ी कमी रही कि एक जमान हो जो आपांगा जगह बड़ा नेता बेनारो दियो जय जवान जय किसान मतलब जवान की जय और किसान की जय हो क्योंकि देश की सब बड़ी ताकत जवान और किसान पर अबे का जगह लोग अभी क्योंकि सीआर साहब हालांकि बहुत अनुभवी व्यक्ति है माघवा से परम सम्मानित है पर मंच मात कोने पे तो बड़ी अच्छी बात कही आपने बताई पर थोड़ी बात एक चीज और भी अपन सुननी है क्यों ना 8,000-10,000 हम जैसे भी चलाउन वात रह जाए। देखो पेट भरूड़ हुए ना जन आदमी ने विचार हंतर आवे मारो इंग मैंने एक विचार है कि आदमी को पेट भरूड़ रही ना जन भी विचार हंतर आए मैं हंतरा भाषण क्यों देवा कि मां की मूल आवश्यकता जगी पूरी हो रही रोटी कपड़ा और मकान और बच्चा ने अच्छी शिक्षा दे दा अच्छा आपांगा भगवान की दया आना टाणा बड़ो बन काट ला तो हंतरा विचार अपने आप ही आए लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं कि आज 8-10 हजार का रोजगार के वास्ते युवा भटक रही हो सड़क के मारे अभी क्यों वन रैंक 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 वन पेंशन कर दी मिलिट्री में अरे मिलिट्री ने हम भी ठेका मार दे दी अभी मोदी जी आप जाने को ना और भी को सब बड़ा नुकसान जो को है वो किसान परिवार ने वेला क्योंकि किसान का जगह कृषि कानून का 3 बिल आया और देश का किसान इकट्ठा हुई और मोदी जी यदि किसान का 3 बिल पाचा नहीं लिया तो मैं था ईंट पत्थर ईंट को जवाब पत्थर दवा था वो आप बात होता ही सरकार में खलबली मची रहा आप देखे तीनों कृषि कानून पाचा हुआ बट ऊपर भी कई लोग एड़ा बैठे हैं जगह एक ही चीज सोचे कि किसान यदि जागरूक हुई गो और किसान का बेटा जब नीतियां बने बड़े जल्दी पूगा तो बाप फर्जी लोगों की दुकान बंद हो जाए ये चीज ने भी आपने सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि कई बटर बैठा दिल्ली और जयपुर के मैंने लोग भाई लोग कमजोर करिए आपा में आपा के युवाओं ने कमजोर करिए देखो मैं कई बार आप बात कहूं ना कहूं जब पेट भरू रहे तो बिना हांतरा विचार आवे आप लोग कड़े भैंस ले 50,000 की और बिना तिल खुआवा हांतरो हांतरो बिना नीरो खुआवा कटे कोई का तार बंदी में कूदे उजाड़ करियो गए बा गाय करे ना उजाड़ क्यों बा भूखी है जगह करे पेट भरूड़ हो रही
तो व्यक्ति अच्छी बात भी करी, नैतिकता भी आई बे में, और वो हाथरों गुणों ही बोल ताजी ताजी बात। इन वास्ते रोजगार के मत अपन ध्यान देना, नशा मुक्ति की जगह बात की। इनमें एक चीज आज मैंने कार्यक्रम भाई बाबू जी ये कार्यक्रम की शुरुआत करी, बीस दिन में आया और बड़ो आगे मन में एक चीज की चाह भी और उन्होंने भी चाहिए, क्योंकि जगह देश माते प्राण न्योछावर करिया वो सब बड़ो काम भी करगा। तो वहां व्यक्ति के सादे दिवस माते बड़ा मेला भी हुए, बड़ा कार्यक्रम को आयोजन भी हुए, मूर्तियां भी लागे, बांगनाओं का सड़क को नामकरण भी हुए, स्कूलों का हुए, खेल मैदान का हुए, और सरकार की भी स्कीम है कि एक लोगों ने भी चीज हुए जोश बंदे और कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत पे बढ़े। तो आज आप लोग कार्यक्रम करियो, पर ऐडा कार्यक्रम में इतना जनप्रतिनिधि ने आप बुलाया आगे हाथ आते जगह सेना जुड़ा बड़ा लोग या जगह बड़ो चिंतन और बड़ो आप लोगों ने सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति ने भी आप यदि बुलाऊ तो बिंगी कोई ना कोई एक अच्छो मैसेज भी जानते अपन कई बात बताता, क्योंकि मैं लोग तो हमेशा ही 365 दिन ही आप जानोगे आपके बिचे ही रहवा और भाषण देवा वही काम है। नयो आदमी कोई आवे और अच्छी बात बतावे और जको विषय हुए भी विषय माते ही वो बात बतावे। आज यहाँ भाई शहीद को सादे दिवस हो, सेना के बारे में, देशभक्ति के बारे में, या आपा का युवा आगे किया बढ़े, हाँ सब चीजा माते यदि बात होती तो ज्यादा लोगों ने प्रेरणा मिलती। आप सब लोग अट पधारिया हो, एक वास्ते मैं दिल की गहराई में आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूं और मातृशक्ति जो की विराजमान है आऊ भी मैं निवेदन करूं कि अब आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि कृषि और पशुपालन आप सब बड़ा दो काम होता। पहले पहले लोग थोड़े जानते समय बदले आए, अब जो हमारा तेजो गांव नाला बैठा है, मैं तो छोटा छोटा बसवाणी का मेला में खरनाल का मेला बीटा में रानी रंगीलियार को नहीं हटे तेजो गांव नाला ए यहाँ 5-10 डोगरा बार बाबू आया इतना फूटा तो पहल के 2 साल पहले मैं इंदास आयो और जी तेजा की कड़ी आई बाबू जोश में देखियो ना जन मैं क्यों बूढ़ा बुजुर्ग उम्र को नहीं आवे और मन ही आवे बूढ़ा बुजादा। पर अब समय धीरे धीरे बदल गो, अब एक कई बार तेजाला भाषण देवे मांगा थी का जाओ जन जरूर कहवा गोगड़ा वाला इंदास वाला आया तो तेजा की एक दो कड़िया हांतरी होनाओ ने, पर घना घर आ कहवे के आया कहीं पे बाबा ने लाओ जो भीड़ बैठी रही। तो देखो समय भी बदली है, समय खाता था आपका विचार भी थोड़ा बहुत बदलना ही पड़ी। पर इतो ही निवेदन में आप करूं कि जको भी जाति और धर्म आपका इतिहास के मत चालिया और इतिहास और महापुरुषों ने जगह याद रखा ये मूर्ति यही वास्ते लागे कि आने वाला टाबर जब भी छोटो निकले जहां आप पूछे कि कुणा की मूर्ति है कि देश के वाला शहीद याद भाई दिल में आ चीज रहे कि शहीद बहुत बड़ी चीज है, देश की सेवा करी बाकी मूर्तियां लागे इन मूर्तियां भी हंतरा लोगों की लागे। इन तो मैं निवेदन करूं कि अच्छो काम जो भी करे भी काम ने आप सब लोग सराहवा और बोंडो काम जो करे बिन मंच में तो गाल नहीं काटा बिन एक पार ले जाए समझाओ तो ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि आज चीज एक प्रशंसा तो हगड़ा मुंडा करो और वो एक पार ले जाए देव तो बिंग गए थोड़ा बिंगो भी मान सम्मान देवे और चीज को भी आपने ध्यान रखना। पर आप किसान कौम का लोग आपन बस जचिया बस दबी चुको नहीं आप चाहे मंच और चाहे कितनी भीड़ हो बात मन में आएगी दे देंगे कोटाली बात होटा मत एक मिनट में आवे। तो इतने मैं निवेदन करूं अभी वकील साहब कहवा और भाई मार सहदेव बड़ो जोशीलो अभी ओबीसी आरक्षण को बात करी कि बहुत बड़ो कार्यक्रम रह गया लोग कोने आया। देखो मैं तो एक ही बात कहूं बस है नी हांतरी कितनी लियो 4 AC लगाए दो और चारों मेर फूंदा टांग दो, ड्राइवर यदि आप अनाड़ी आ हुई ना वो बस ना नुकट मार तो सवार बैठी वो खाली जाए हाँ तो ड्राइवर हांतरा कोने आईंदा चीज को ध्यान रखो कि जटे भी रैली प्रदर्शन जका भी करो सब लोगों ने साथ ले चालन को प्रयास करो आप लोग। और ड्राइवर की नैतिक जिम्मेदारी आए कि वो कोई विचार आज बाबूजी कार्यक्रम का आयोजन करियो एक समिति ने मैं धन्यवाद दू कि आप हगड़ी विचारधारा के लोगों ने एक मंच के बाद बिठाया। विचारधारा लोकतंत्र में अलग अलग हो सके पर आज ये तो पुनित काम हो एक बात सगड़ा लोगों ने याद करिया सगड़ी पार्टियां का लोग एक जाजा मत बैठी है यहां कोई दिक्कत को नहीं। पर अब कार्यक्रम भी करनो आप भी कहवा मैं राजनीति कौन करा पर राजनीति देखो देश में जल्दी में जो हगड़ो आदमी करी आप भी अपन माननी पड़ी क्योंकि राजनीति बिना ना अब देश चाले को लोकतंत्र है राजनीति भी हुई विचारधारा भी हुई कोई कोई ने हंतरो लागे कोई कोई ना भी बात है। तो ऐडा आंदोलन ओबीसी का जद भी आप करो मैं भी दिन देखे हो खिया राम जी का भाषण भी देखे हमें अच्छी बात बताई पर ड्राइवर जड़ते हंतरा नहीं हुई कोई भी कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सके चीज को आप ध्यान रखी जो और ड्राइवर हंतरा हुई तो सही दिशा के माते ले जाए फिर गाड़ी ने चाहे नागौर कही तो नागौर ले जाए छोड़ दे सवारियां भी बैठ क्यों भरोसा कर पड़ो। तो इतो ही निवेदन मैं करूं कि जगह राजनीति करे भाई राजनीतिक विचारधारा की बात बतावे
जगह समाज सेवा करे तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की बात ही बतावे और सामाजिक संगठन जगह चलावे, धार्मिक संगठन जगह चलावे, वे सिर्फ समाज और धर्म की ही बात करे, वे राजनीति में भी नहीं गाली तो बांको लोग मान सम्मान भी करी, वे बुलाए जट जाए भी, भीड़ भी हुई, मोटा मोटा कार्यक्रम भी आप लोग देखे आ गए, आयोजन देश के महीने हुए। अभी हनुमान जी एक छोटो बच्चो हुआ ना, बिन आप छत के माथे खड़ो कर दो और पापा जा भी दिया, मैं बाबू जी ने देखे उगना लाई, वो छोटो पोतो जो छोड़े हुई कौन लाल लाल, बिन भरोसा है बाबू जी माते बड़ो प्रेम है, महीनों भी दिल का तार बाबू जी जुड़ रहा है, छोटा बच्चा ना आपा को जो बच्चो हुए बिन दीवार के माथे खड़ो करो नीचे माइत के बेटा आज वो कूदे कौन कूदे, वही वहां कूदे बिन भरोसा रहे कि मारा माइत हेटू कौन पड़ने वाले, अब दूजुड़े टाबरान के हो कि बेटा आज आज ही रहे वो, तो विश्वास होना सब बड़ो जरूरी है कि भाई जगह काम वास्ते भी काम के निमित्त मान बुलाया भी निमित्त एक पार गाली जगह जब मंच मात बैठा लोग है हांतरी बात मान बताए। एक दिन एक नशा मुक्ति का प्रोग्राम चले हो और एक बाबू नशा मुक्ति मात भाषण देवा जदे कोई भीड़ के महीनों आदमी उठियो क्यों बाबा थे ऐटा बैठ गयो माने नशो कहीं छुड़ाओ घरे जरूर टाबर दोनों पिउड़ा ला दे दो, कितनी बड़ी बात है, हकीकत बात है, साधु सन्यासी है वे धर्म मात भाषण देवे और नशा मुक्ति मत पे भाषण देवे जगह परिवार में कोई नशो नहीं करे, और राजनीतिक बात है ना वो आदमी करे जो राजनीति में हुए और सामाजिक संगठन जगह चलावे, वे सिर्फ और सिर्फ समाज और संगठन की बात करे तो निश्चित रूप में आप सब आगे बढ़ाला, इस चीज को आपने विशेष ध्यान रखना है। एक बार पाछो ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन वास्ते मैं इंदास गाँव की जटे भी जाऊं मैं हमेशा बहुत बड़ी तारीफ करूं क्योंकि ये रोड माते मारो क्यूंसर विधानसभा क्षेत्र थोड़ी आगे चलते ही सिंगड़ का रास्ता आगे जाना शुरू हुई सुखवासी आगे ये रोड में तेजाजी महाराज गढ़ हाथ जोड़ लगभग लगभग हर दूसरे दिन निकलूं मैं बाहर जाऊं इंदास की बड़ी तारीफ करूं कि बहुत अच्छो गाँव है और आप लोग देखो निर्माण का काम मैं तो देखो आप वो जगह बनाई हो हेमंदर जी को अट मूर्ति और जी छतरी बनाई हो कितना मन और लगन बनाए कितनी सुंदर आप बनाई हो तेजा जी को मंदिर वो गार्डन और भी जगह काम है यहाँ लागे आप लोग सब मिल परा और अच्छो काम करना चाहो आप मनु रेवन जी कई बार मैं छोट छोटा आ जाना बड़ी कारीगरी करता हमारे गांव में हमारा अच्छी तरह याद है पर भी बात है सेवा में लागा तो मन लगाए कोई सेवा करे है तो मैं तो इतना ही निवेदन आपको करूं कि हगली विचारधारा ने भूल कई काम ऐडा है जब कोई पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं आपांगे आपको एक ही ध्येय कि वो काम सफल किया हुआ है आप लोग क्या आगे बढ़ा किया बारे को आदमी आवे ना जब आ कही जावे कि इंदास में यार बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करियो जना कहीं कार्यक्रम करे जगह को भी मान सम्मान बढ़े आप आओ जगह को भी मान सम्मान देवे इस चीज को अपने ध्यान रखना है। पर एक चीज थोड़ी मोरियो सुंदर नाच नाच पगा नहीं देखे जन थोड़ी उदासी आवे ऐ जगह बार कई वक्ता बातें करी और नशा की प्रवृत्ति की बात यदि करा तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूं मैं हमेशा एक चीज कहूं कि नशा मुक्ति की मत आपने बहुत बड़ो ध्यान देना अब आपने दो चीजों मत बहुत बड़ो ध्यान देना है एक तो नशा मुक्त समाज और एक शिक्षित समाज यदि शिक्षित समाज आप बनाए लवा तो कई अंधविश्वास और कुरुति अपने आप ही मिट जी क्योंकि वो आप धंधे लाल जी आदमी और दूजो नशा मुक्त समाज आपने आप गठ आज मैं अट आऊ पहले जल्दी कांटियाम को एक दो कार्यक्रम मैं बट गयो तो मैं क्यों एमएलए साहब तो नशा मुक्ति माते भाषण दो माकेर दूजो नशो है मैं क्यों कहीं के चक्री को नशो आप सुनियो भाई चक्री को नशो कहीं है कौन सुनियो वो मैं भी आज सुनियो पहले बार चक्री को नशो है कि मोबाइल गेम के मैंने जुआ रमे टाबर और चक्री को नशो है मैं यार आज तक मैं तो कौन सुनियो चक्री को नशो किस है पर फिर भी मैं कल मैं एसपी साहब में बात करूं बिग महीना के कांटिया गांव का जगह किसान है कांटिया वहां बहुत संपन्न गांव है बड़ो गांव और संपन्न गांव तो पिछले 10 सालों खेत खेत में ट्यूबवेल और 12 बड़ा बड़ा ठेकेदार रहे और लकड़ी को और काम करे हर घर के महीने कोई ना कोई आमदनी है जी आप इंदास आड़ांगे लगभग शहर में जानो कारीगरों लेर हगड़ो काम आप लोग करो जी कांटिया गांव को बहुत बड़ो रोज को पैसा की इनकम है बाग तो पतो करियो क्यों साहब 5 करोड़ रुपया जगह ना भाई लारला एक दो साल में कांटिया गांव का जुआ महीने चक्री महीने हार कर दो कितनी बड़ी बात है बताओ एडी चीजों को आप ध्यान भी रखा करो टाबर आप बुजुर्ग आप बैठे आपने ठाबी कोनी मोबाइल मनी ठा कोनी चक्री कहीं हुआ तो आपने कोनी ध्यान कही लोग टाबरों को थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना पड़ी क्योंकि बाल अवस्था जगी है ना बाल अवस्था एडी हुए कि आदमी कोई भी भटक जावे ये बात आप बुजुर्ग लोग जगह है बेड़ा बैठा एक दूसरा नहीं कोई गलत काम करे बिन प्रेम और वो नहीं बिन जो प्रेम समझावा और आ कहवा भाई वो काम गलत है ये काम के रास्ते अपन कौन जानो और सही दिशा के महीने अपन चालो बैठ रहा अपन चर्चा कराना भाई पहले आपा का पंच पटेल हो तो काम करता कि कोई भी छोटी मोटी समस्या होती
तो एक जाजम के मध्य बैठ बिंग निवारण का प्रयास करता था। अब आज परिपाटी धीरे धीरे बदली जाना। आप देख लो बिंगा दुष्परिणाम है कि आज पहली कड़ी आत्महत्या आप देखता कहीं कि भाई कोई आदमी फांसी बांध लटक हो रेल गेट आएगा। आप सुनी बुजुर्ग लोग आप बैठे हो मारा हिसाब आपका समय में चीजें को नहीं ये चीजें आउन को सब बड़ो कारण हो कि एकाकीपन को जीवन। अब हाथ दस लोग बैठ कर चर्चा ही कौन करा मारे यदि कोई दुख दर्द है मैं भी लिया बैठो रहूं लिया बैठो रहूं महीने महीने घुटू और एक दिन एडो आए बिंग विस्फोट उजीर बिंग परिणाम जो परिवार ने भुगतना पड़ी इन वास्ते वही निवेदन में करूं कि बच्चों जब पढ़न जावे ना स्कूल में सब पहली बिंग समझावे भारत का मैंने शिक्षा पद्धति अपांगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि मनुष्य को समाज और बेड़ा बेटे बिना काम नहीं चले मनुष्य को इस चीज मत यदि आप चाला तो निश्चित रूप में आप भी विकास करा आप परिवार भी सुख पाए। एक बार पाचो ये सुंदर कार्यक्रम आयोजन वास्ते प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप इनमें भाग लेने वाला सभी लोगों ने मैं दिल की गहराई में धन्यवाद ज्ञापित करूं और विशेष धन्यवाद बा लोगों ने कि जगह पुनीत काम के बाद आज ब्लड को डोनेशन वो कैंप लगाया हुआ और सब बड़ो काम है क्यों रक्तदान महादान और सब बड़ो दान है जो रक्त को दान है। एक बार जितना भी आज आया आपको रक्त को दान दियो मन में दिल की गहराई हूँ बहुत बहुत साधुवाद हूँ कि सुंदर काम आप करियो और माता बहनों सभी सब अपील करूं कि बेटा और बेटियां आप संस्कारी शिक्षा दे या आगे बढ़ाओ और बेटा बेटियां आपांगा जग दिन देश की प्रदेश की नीति बने बड़बा कलम आपांगा बेटा और बेटियां का आत्मा आवेली तो निश्चित रूप में आपांगा उन्हालो टाइम अच्छो वेलो आप सब लोग आगे बढ़ विकास कराना। एक बार पाचो आप सब लोगों की तेजाजी महाराज आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और मैं हमारी वाणी ने विराम दू धन्यवाद। आप सब लोग मिल और अच्छा सुंदर समाज को निर्माण करान आई अपेक्षा में रखू कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बनाए और आप सब लोग आगे बढ़ा आई शब्दांग साथ धन्यवाद। राम राम साहब जय हिंद। शहीद हेमेंद्र गोदारा अमर रहे। शहीद हेमेंद्र गोदारा अमर रहे। राम राम।